दोस्तों आपने बर्गर खाया होगा, वो बर्गर रहा होगा करीब 5 रुपये से 10 रुपये तक, या 100, 200, 300, 500 रहा होगा। लेकिन अगर मैं कहूँ कि एक ऐसा बर्गर भी है जो 4 लाख रुपये से भी ऊपर गए हैं, तो आप क्या कहेंगे? जी हाँ दोस्तों, रॉबर्ट जैन दे विन ने 5,000 यूरो यानी कि करीबन करीबन 4 लाख रुपये से भी ऊपर का एक बर्गर बनाया है और उस बर्गर को सेल भी किया है। अभी तक का ये सबसे ज्यादा महंगा बर्गर बताया जा रहा है। और आप सुनिए कि इसके अंदर क्या क्या इंग्रेडिएंट्स डले थे। इसके अंदर डला था बेलुगा केवियर, किंग क्रैब, सेफ्रॉन, वाग्यून बीफ, स्पेनिश पलेटा इबेरिका, व्हाइट ट्रफल और इंग्लिश चेडर चीज। इन सबको मिलाकर इस बर्गर को बनाया गया था। इससे पहले सबसे महंगा बर्गर $5,000 का था, जो कि 2011 में बनाया गया था और जिसका वेट था 352.44 kg। जी हाँ, ये काफ़ी भारी भी था, इसलिए इसका रेट भी काफ़ी महंगा था। और उसके बाद सामने आया ये वाला बर्गर जो कि 4 लाख से भी ऊपर गया है। रिपोर्ट्स की माने तो इस बर्गर को रीमिया इंटरनेशनल जो कि नीदरलैंड में है उनको बेचा गया। और उसके बाद इस बर्गर को खाया रॉबर्ट विलियमसन ने, जो कि चेयरमैन है रॉयल डच फूड एंड बेवरेज एसोसिएशन के। और इस बर्गर से जो अमाउंट कलेक्ट हुआ उसको वीन ने एनजीओ में डोनेट कर दिया। सो क्या आप लोग इस बर्गर के बारे में पहले से जानते थे? प्लीज़ कमेंट कीजिए। और अगर आप लोग इस वीडियो को यूट्यूब पे देख रहे हैं तो सब्सक्राइब कीजिए, और अगर आप लोग इस वीडियो को इंस्टाग्राम या फेसबुक पर देख रहे हैं तो प्लीज़ फॉलो कीजिए।